सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 है और आज हम लोग करेंगे उसके कुछ न्यूमेरिकल। लेकिन इसके पहले कि हम उसका लेक्चर 2 स्टार्ट करें, इसके पहले मैं बता देता हूं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री के न्यूमेरिकल करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली पाइथागोरस द्वारा दी गई राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स को पता करने के लिए एक थ्योरम थी, जिसमें होता कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। तो अब ये जैसे हम लोग हमको तो पता है, हम लोगों जैसे हम लोगों को मालूम है कि राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, ये राइट एंगल के परपेंडिकुलर है और ये बेस है। हम लोग इसको किसी भी एंगल के थ्रू मालूम कर सकते हैं। राइट एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो अब होता कुछ ऐसा है इसमें कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो हम लोग का हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी अगर हम लोग परपेंडिकुलर और बेस का सम करें, परपेंडिकुलर के स्क्वायर का और बेस के स्क्वायर का सम करेंगे तो हमें हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए परपेंडिकुलर आपका है 3 और बेस है आपका 4, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना होगा? तो अगर यहाँ पे हम लोग इम्प्लाई करें तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब अगर हम लोगों को हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हम लोग सीधा से ऐसे कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इससे हमारा आंसर आएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, यानी अंडर रूट 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। और अंडर रूट 25 की वैल्यू हम तो लोग जानते हैं कि 5 होती है, यानी हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया 5। कि हाइपोटेन्यूज को फाउंड करने के लिए, या हाइपोटेन्यूज और या फिर कोई और साइड डी हो तो उसके थ्रू तीसरी साइड को फाउंड करने के लिए एक बहुत अच्छा थ्योरम था जो पाइथागोरस द्वारा दिया गया था। तो अब हम लोग आगे अपना न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं। हमारा ये अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है जिसमें हम लोग से पूछा गया है कि ये एक फिगर है जिसमें हमें साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसक ए एंड सेकेंड टेन ए फाउंड करना है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हमारा ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री के एकदम अपोजिट साइड पे है। ठीक है, और हम लोग ए को ले लें, अगर अकॉर्डिंग टू ए हमारा ये साइड परपेंडिकुलर है और ये साइड हमारा बेस है। तो जैसा कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा परपेंडिकुलर हमको नहीं मालूम है, तो हम लोग अपना परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम थी हम लोगों की, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा है 13, यानी 13 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, पी का स्क्वायर कुछ नहीं, तो हमने यहाँ पी का स्क्वायर ही लिखेंगे क्योंकि हमको पी का स्क्वायर मालूम नहीं है। पी स्क्वायर होता है पी का स्क्वायर, लेकिन हमको पी की वैल्यू नहीं मालूम है। और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो अब हम लोग इस 25 को इधर लेके जाएंगे तो ये 169 में से डिजेक्ट हो जाएगा 25। तो
आंसर आएगा हमारा 144 इक्वल टू पी का स्क्वायर। अब हम लोगों का जो परपेंडिकुलर होता है, मतलब पी का स्क्वायर जो को हम लोग इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा अंडर पी, हो जाएगा हम लोगों का अंडर रूट 104 के बराबर। तो पी आ जाएगा हम लोगों का 12, यानी यहाँ पे पी हम लोगों को मालूम पड़ गया कि हम लोगों का 12 है, ठीक है। तो अब फॉर साइन ए के लिए, साइन ए क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये 12 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 13 है। तो 12/13, ठीक है। अब सेकंड है कॉस सी। तो अब कॉस के लिए, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि हर एंगल के हिसाब से उसका परपेंडिकुलर और बेस बदल जाता है, हाइपोटेन्यूज वही रहता है लेकिन परपेंडिकुलर और बेस बदल जाता है। तब एंगल सी के हिसाब से, ब्राउन से इसका लिख रहे हैं एंगल सी के लिए, जो भी बेस और परपेंडिकुलर है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये, ठीक है। तो एंगल सी के हिसाब से कॉस सी क्या आएगा, कॉस सी हो जाएगा हम लोगों का बी सी अपॉन ए सी, यानी 12/13। अब ये ध्यान दीजिए, ये साइन ए था, ये साइन था और ये कॉस था, दोनों की वैल्यू सेम दिख रही है, ये दोनों अलग अलग एंगल के रिफरेंस में है, इसलिए ये कंफ्यूज मत होइएगा यार दोनों की वैल्यू कैसे सेम हो गई, क्योंकि ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, और साइन होता हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए मतलब ये नहीं है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, ये रिफरेंस ऑफ एंगल के हिसाब से साइड ली जाती है कि कौन सी बेस है कौन सी परपेंडिकुलर है। तो ये साइड जो रिफरेंस एंगल होता है उसके हिसाब से देखा जाता है, तो रिफरेंस एंगल के हिसाब से हमारा, हमने परपेंडिकुलर और बेस चुना था, जिसके वजह से हम लोगों का ये दोनों आंसर सेम आया। इसमें ये हमारा आंसर कोई गलत नहीं है, हमारा आंसर सही है क्योंकि हम लोगों ने सही रिफरेंस लिया हुआ है। अब अगला है हमारा टैन है। तो अब हम लोगों को टैन ए के लिए फिर से हम लोग ए वाला रिफरेंस लेंगे, यानी ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो रिफरेंस एंगल आपको हमेशा ध्यान में रख के बेस और परपेंडिकुलर चुनना है, याद रखिए। जो ब्लू से भी हमने लिखा हुआ है ये ए का हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर है, और जो हमने ब्राउन से लिखा हुआ है वो सी के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर है। तो हमारा टैन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी सी अपॉन ए बी, यानी कि 12/5। अब हमारा फोर्थ हमें क्या निकालना है, कॉसेक सी याद करिए, हमने आपको कॉसेक सी क्या होता है बताया था, कॉसेक सी होता है हम लोगों का हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी साइन का एकदम उल्टा, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक सी हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक ए या कॉसेक सी जिसका भी कॉसेक होगा, कॉसेक का हमारा यही होता है कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो कॉसेक ए के लिए हम लोग फिर ए के ही रिफरेंस मिलेंगे, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 13, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 12। हम बार बार ये ए सी ए बी नहीं लिख रहे क्योंकि इतनी देर में आप लोगों को भी मालूम पड़ गया कि कौन सी साइड किस में लेनी होगी। अब हमारा आता है सेक स्क्वायर ए और टैन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए हम लोगों को दोनों का निकाल के उसमें से टैन स्क्वायर ए माइनस करना है सेक स्क्वायर ए को निकाल के। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं सेक स्क्वायर ए, यानी ये सेक और ए दोनों का होल स्क्वायर है, यानी इसमें सेक का भी स्क्वायर होगा और ए का भी स्क्वायर होगा,
मतलब पूरे sec a का स्क्वायर है, sec स्क्वायर a का मतलब ये हुआ। तो हमारा sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज हमारा है 13, बेस है हमारा 5, इसका स्क्वायर में से हमें माइनस करना है 10, 10 स्क्वायर है। अब 10 हमारा क्या था, 10 हमारा क्या था, 12/5, तो 12/5 का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों का आएगा 169 माइनस 144 अपॉन 25, और यहाँ भी अपॉन 25। अब देखिए ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग इनको एक साथ कर लेंगे, यानी 25 144, तो इसका आंसर आएगा 25 अपॉन 25, आप ऊपर आपस में कट जाएंगे यानी आ जाएगा 1। तो हमें इसमें हर एक एंगल की वैल्यू और एक चीज की वैल्यू मालूम पड़ गई जितने चीजें हमसे पूछी गई थी। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए एस्क्यूट एंगल है यानी 90 डिग्री से नीचे है, और जो कॉस ए है उसकी वैल्यू है 4/3। तो हमें बाकी के रिमेनिंग जो रेशियोज है उनको ढूंढना है, तो इसके लिए पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो ट्रायंगल ड्रॉ हम लोग करते हैं, ये हम लोग का एंगल ए है, ठीक है, और हम लोगों को ये दिया हुआ है कि हमारा कॉट ए जो है वो 4/3 है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है एंगल ए के वजह से। उसके अगर रिफरेंस ले तो ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब हमको कॉट एक दिया गया 4/3, और कॉट होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस हमारा है 4x, क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं मालूम है, ये रेशियो है, ये कोई एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये याद रखिए, ये रेशियो ये कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं 4x, और ऐसे ही मान लेते हैं हम लोगों को, हम लोग इसकी वैल्यू 3x, यानी तो हम लोग अपने बी सी को मान लेते हैं 3x और ए बी को मान लेते हैं 4x। तो हमको इन दोनों की लेंथ मालूम पड़ गई, इसके इससे हम लोग निकालेंगे अपने हाइपोटेन्यूज की लेंथ। तो फिर से भाई लगेगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज तुम्हारा क्या हो जाएगा तब, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो कि है अंडर रूट 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 25x स्क्वायर। अब अंडर रूट की वजह से 25 बदल जाएगा 5 में, और एक्स स्क्वायर बदल जाएगा एक्स में, यानी 5x, यानी हम हाइपोटेन्यूज हमारा है 5x। तो हमको हाइपोटेन्यूज मालूम पड़ गया। तो अब हम लोग बाकी सारे रेशियोस निकालेंगे। तो हम लोगों को क्या पता था, कॉट ए, तो हम लोगों को अब निकालना है साइन ए कॉस ए टेन ए, कॉट ए हमारे पास पहले से है,
sec A and cosec A. तो हमारा साइन ए है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बी सी अपॉन ए सी, थ्री एक्स अपॉन फाइव एक्स, एक्स एक्स कट गया यानी थ्री अपॉन फाइव. हमारा कॉस ए है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी अपॉन ए सी यानी फोर अपॉन फाइव, ऊपर नीचे एक्स है कट गया आपस में फोर अपॉन फाइव. हमारा टेन ए है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन ए हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी सी अपॉन ए बी यानी कि थ्री एक्स अपॉन फोर एक्स, ऊपर नीचे एक्स कट गया थ्री अपॉन फोर. ऐसे ही हमारा सेक ए है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू फाइव एक्स अपॉन फोर एक्स यानी कि फाइव अपॉन फोर, क्योंकि एक्स एक्स ऊपर नीचे कट गया. सेम टू सेम हम लोग ऐसे करेंगे कॉसेक के लिए भी, यानी कॉसेक हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हो गया हम लोग का ए सी अपॉन बी सी यानी कि फाइव एक्स अपॉन थ्री एक्स, एक्स कट गया तो फाइव अपॉन थ्री. तो हम लोगों ने सारे जो ए एंगल के रेशियोज थे वो निकाल दिए. यहाँ पे हमको एंगल ए के ही सारे रेशियोज निकाल लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हमको सिर्फ एंगल ए का रेफरेंस दिया गया. ठीक है, तो अब हम लोगों का क्वेश्चन थ्री है कि ये जो फिगर गिवन है इसमें ये ट्रायंगल एबीसी है जिसमें बी है हमारा राइट एंगल जैसा कि हम लोगों को दिख रहा है. ठीक है, और बीसी हमारा यानी ये बीसी हमारा है 5 सेंटीमीटर और हमारे एसी और एबी के बीच में डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर का. ठीक है, तो यहां पे तो हम लोगों को जैसा कि मालूम है हम लोगों का बी सी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और ए सी माइनस ए बी हम लोगों का 1 सेंटीमीटर है. तो हम लोगों का ए सी हम लोग कह सकते हैं कि 1 प्लस ए बी के बराबर है. तो अब हम लोग यहाँ पे अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, और अगर हम लोग मान लें किसी को भी मान लेते हैं, बाकी हाइपोटेन्यूज ऐसी है ये दोनों में से कोई भी बेस हो सकता है परपेंडिकुलर हो सकता है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो ए सी स्क्वायर हम लोग का क्या है 1 प्लस ए बी का होल स्क्वायर, बी सी स्क्वायर हमारा है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये हमारा सेंटीमीटर में ही है. ठीक है, और ए बी हमको मालूम नहीं है क्या है, तो सपना ये चीज शुरू करेंगे तो हम लोग को अपना खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर.
और ये पूरा सेंटीमीटर में आप लोग ये जान के चलिए, तो अब इसके बाद आएगा 1 सेंटीमीटर प्लस, यहाँ देखिए ये दोनों कट गए, ये दोनों ए बी स्क्वायर इक्वल के इधर उधर से तो कट गए, ठीक है, क्योंकि इधर ले जाता तो माइनस में होता, इसलिए हम लोगों ने पहले इसको काट दिया, ठीक है। ये गलत नहीं है, इसको इक्वल टू के जोड़ जाते तो हम लोगों ने इसको डिटेक्ट कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है इसको, अब हम लोग 1 सेंटीमीटर को इधर से इधर लेके जाएंगे, मतलब इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो हम लोग का हो जाएगा 2AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा 1 सेंटीमीटर माइनस हो गया, तो हमारा AB आ गया 24 सेंटीमीटर अपॉन 2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को AB की वैल्यू अब मालूम पड़ चुकी है, तो अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोगों को निकालना क्या था, कोसेक ए और कॉस ए, तो कोसेक ए के निकालने के लिए और देखिए कोसेक ए इक्वल टू कोसेक ए होगा हमारा, देखिए ए अब हम लोग ए के हिसाब से देखें तो हमारा ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू हमको मालूम पड़ चुकी है, और ये हमारा है 13 सेंटीमीटर, क्योंकि प्लस 1 सेंटीमीटर था, तो ए सी हमारा है AB प्लस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 13 सेंटीमीटर है, ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो कोसेक ए हमारा है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन AC, यानी AC अपॉन BC यानी 13 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, बचेगा हम लोगों का 13 अपॉन 5। हमने आपको ये बताया था पिछले लेक्चर में कि जो हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं, ये रेशियोस होते हैं इसलिए इनकी कोई यूनिट नहीं होती, ये सिर्फ एक रियल नंबर होते हैं, इनकी यूनिट नहीं होती है, तो देखिए यहाँ यूनिट कट गई इसकी फिर से, सिर्फ बचा हम लोगों का 13 अपॉन 5। तो ऐसे ही हम लोग अब इसको हम लोग अगर और जैसे अब ये इन प्रॉपर सेक्शन में इसको अगर हम लोग और सॉल्व करेंगे तो हमारा ये मिक्स सेक्शन बन जाएगा ऐसे। अब इसको डिवाइड किया गया इतना तो आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने इसको कैसे किया है, आपको इम्प्रॉपर से मिक्स सेक्शन में कन्वर्ट करना आता होगा, क्योंकि हम ये सब लोगों को सेकेंड क्लास में सिखा दिया था, इसलिए मैं ये नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारा कॉस ए निकल गया, तो कॉस ए हम लोगों को निकालने के लिए हम लोग फिर से फॉर्मूला लगाएंगे कॉस का कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि ए के रिफरेंस में है, ए बी अपॉन ए सी यानी कि 12 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 12 अपॉन 13 बचा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग लिखा है कि हम लोग को दिया हुआ है साइन 13 sin A इक्वल टू 12, यानी साइन ए इंटू 13, यानी साइन ए को 13 टाइम इंटू करोगे तो 12 आएगा, और हम लोग को ढूंढना क्या है sec a माइनस tan a और अंडर 1 अपॉन cos स्क्वायर a माइनस tan a। तो पहले हम लोग साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, तो हम लोग को दिया क्या है, हम लोग को दिया है 13 sin A यानी 13 times sin A इक्वल टू 12, तो साइन ए क्या हो जाएगा 12 अपॉन 13, 3 डिवाइड कर दिया हमने दोनों तरफ, सो अब हमारा साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे छोटा सा, हमारा हाइपोटेन्यूज है
ये हमारा एंगल है, इसके हिसाब से ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है हमारा 12, हाइपोटेन्यूज हमारा 13। तो इसके हिसाब से हमारा बेस निकालने के लिए हमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जिसको नहीं आती है वो सीख ले इसको। मैं इसका एक पे कोशिश करूँगा एक शॉर्ट डालने की इसको एक्सप्लेन करते वक्त, तो उसको आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो फिर से हम लोग चलिए बढ़ते हैं अपने इस पे कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का हमारे परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, एसी का स्क्वायर हमारे बीसी और एबी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमारा हाइपोटेन्यूज 13, यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। तो 13 हमारा 13 का स्क्वायर होता है हम लोग 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 और एबी का स्क्वायर होता है एबी स्क्वायर। तो 169 में से 144 माइनस कर देंगे तो हम लोग का एबी का स्क्वायर आ जाएगा। तो 25 हमारा हो गया एबी के स्क्वायर के बराबर और एबी हो गया हम लोग का 5 के बराबर, क्योंकि अंडर रूट 25 5 के इक्वल टू होता है। सो अब हमें सेक ए माइनस टैन ए निकालना है। सेक ए हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और टैन ए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सेक ए माइनस टैन ए, सेक ए हमारा हो गया एसी अपॉन एबी माइनस और टैन ए हमारा हो गया बीसी अपॉन एबी, जो कि हमारा हो गया 13 अपॉन 5 माइनस 12 अपॉन 5, जिसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोगों का 13 माइनस 12 अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये हम लोगों का आ गया सेक ए माइनस टैन ए की वैल्यू। हम लोगों को निकालनी है अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए की वैल्यू। सो अब एक चीज याद रखिए, हमने आपको बताया था रेसिप्रोकल रिलेशन। तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर सेक स्क्वायर ए के। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक एक होता हम लोग का 13 हुआ हम लोग का 13 अपॉन 5, यानी 13 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा हो जाएगा 169 अपॉन 25 का होल 25 माइनस 144 अपॉन 25, जिसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि 169 माइनस 144 अपॉन 25, जिसको फर्दर सॉल्व करने पे हमारा आएगा 25 125, यानी 1। तो हम लोग का ये सॉल्व हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि हमें ट्रायंगल एबीसी में एपी परपेंडिकुलर दिया हुआ है बीसी के और बीसी हमारा 112 सेंटीमीटर और कॉट भी हमारा 4/3 और कॉस थी हमारा 12/5 और हमें कैलकुलेट करना है एपी। तो हम लोगों ने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। तो अब हमारे पास जैसे हम लोगों को दिखा हुआ है कि कॉट बी हमारा है 4/3, ठीक है। अब ये एंगल भी है, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है
बीपी और हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा एपी। सो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा लेट बीपी इक्वल टू 4K एंड एपी इक्वल टू 3K, क्योंकि ये रेशियो है, ये कोई यूनिट तो है नहीं कि हाँ एकदम मतलब एक सही मतलब जैसे ये यूनिट है, ये प्रॉपर नंबर है, यूनिट है एक प्रॉपर फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन ये नहीं है, ये रेशियो है, इनमें कोई यूनिट नहीं, यूनिट जैसे, इसलिए हम लोगों ने इसका के मान लिया यूनिट। ठीक है, तो अब और हम लोग अब अगला क्या दिया हुआ हम लोगों को, कॉट सी, कॉट सी हम लोगों को दिया हुआ है 12/5, यानी कि सी के साथ से कॉट सी हो गया 12/5, यानी पी सी अपॉन ए पी। और हम लोगों को मालूम है कि हमारा हमारा बेस है परपेंडिकुलर है एपी, तो अब एपी हम लोग जानते हैं कि हमारा है 3K, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर माना। ठीक है, तो अब 3K को अगर इसमें इम्प्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एपी इक्वल टू 36K अपॉन 5। ठीक है, और हम लोग का जो बीसी है, हम लोग का बीसी क्या है, 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर हमारा बीसी है, लेकिन देखो ध्यान से देखा जाए तो हमारा बीसी बीपी प्लस सीपी है, सीपी हमारा, तो हमारा बीपी है 4K और हमारा सीपी है 36K अपॉन 5। ठीक है, तो अब हम लोग इसको इसमें 5 को कॉमन लेके डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको और आगे अब सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारा आएगा 20K प्लस 36K अपॉन 5 इक्वल टू 112 सेंटीमीटर। तो जब अब हम लोग अगर इसमें इसको जो लेके जाएं 5 को, तो 112 हमारा बन जाएगा 20K प्लस 36K। तो अगर हम लोग देखा तो हम लोग का देखा जाए तो 112 इंटू 5 सेंटीमीटर हो गया 56K के बराबर, तो 56 के बराबर अगर ये हो गया तो K कितना हो जाएगा, 112 5 अपॉन 56, और इसकी वैल्यू आएगी हमारी 10, क्योंकि 56 से डायरेक्टली अगर सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, और ये हो जाएगा 2, तो आ जाएगी हमारी K की वैल्यू 10। तो हमारा A कितना था, 3K था, AP हमारा 3K था, तो AP की वैल्यू आ गई हमारी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारा 3। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोगों को एक फिगर दिया गया है, और उस फिगर में cos अल्फा है हमारा 5/13, ये रेशियो से मैं पहले बता दे रहा हूं, और cos बीटा है हमारा 3/5। तो हम लोगों को फाइंड करना है कि हमारा BD कितना होगा, यानी ये कितना होगा BD। तो हम लोग अगर सॉल्व करें तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे इसको कि पहले हम लोग लेते हैं cos, जैसे इसको सॉल्व किया था वैसे इसको करेंगे कि cos अल्फा पहले ले लेते हैं, cos अल्फा हमारा कितना है 5/13, और हमारा cos क्या होता है, हाइपोटेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा क्या है
बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी, तो हमारा बीसी हो गया 5K और एसी हो गया 13K। तो अब हम लोगों को ये वाला ट्रायंगल है, मेरे को एकदम सेम टू सेम है ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेना है और इसमें हम लोगों को करना है एसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। अब देखें हम लोग इसमें, तो एसी हमारा 13K, तो 13K स्क्वायर इक्वल टू फाइव के स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, अब 169K स्क्वायर होगा, ये हो गया 25K स्क्वायर और ये हो गया 144। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 144K स्क्वायर इक्वल टू 144, इसको ले लेके सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब 144 से 144 कट गया तो बचा के स्क्वायर इक्वल टू 1। अब के स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो k की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब k की वैल्यू 1 हो गई तुम्हारी bc की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि bd निकालने का हमें bc और cd की वैल्यू निकालनी, तो bc की वैल्यू हो गई हमारी 5k इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ से सारी यूनिट सेंटीमीटर में, फिर यहाँ पे सेंटीमीटर लगा k की जगह, ठीक है। अब अगला ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम और इसके हिसाब से हो जाएगा कॉस बीटा इक्वल टू 3/5 था, अब कॉस बीटा 3/5 है तो सी डी अपॉन सी ई क्या होगा, सी डी अपॉन सी ई क्योंकि कॉस है तो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो सी डी अपॉन सी ई हुआ हमारा 3/5, तो इसका मतलब इसको इसको भी ऐसे के के में कर लेंगे तो हमारा सी डी हो जाएगा 3K और सी ई हो जाएगा 5K। अब ऐसे ही गलत ट्रायंगल जब लेंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू ई डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, डी ई हमारा है 8 का स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सी डी हमारा है 3 का स्क्वायर, 3K का स्क्वायर और सी ई हमारा है 5K का स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा कि 25K स्क्वायर इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस 64। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा आएगा कि 16K स्क्वायर इक्वल टू 64। अब इसको फर्दर सॉल्व हम लोग करेंगे तो 16 की टेबल में 64 आप इसको इधर लेके जाएंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64/16, 16 की टेबल में 64 4 बार में आता है तो के स्क्वायर हमारा हो गया 4, तो के हो गया हमारा 2 क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, इसीलिए तो हमारा सी डी क्या आ गया, सी डी हमारा आ गया 3K इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमारा बी डी हमें चाहिए था, बी डी था हमारा बी सी प्लस
CD, तो BC हमारा 5 सेंटीमीटर, CD हमारा 6 सेंटीमीटर, तो BD हमारा हो गया 11 सेंटीमीटर। तो ये सॉल्व हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये है एक रोम्बस ABCD। तो अब इसमें रोम्बस ABCD में जो हमारा डायगोनल है AC वो हमारा 18 सेंटीमीटर, और जो डायगोनल और डायगोनल BD और साइड AB, डायगोनल BD और साइड AB के बीच में जो हमारा एंगल है वो है अल्फा एंगल, ठीक है। और अल्फा हमारा है कुछ ऐसे है कि उसका जो कॉस है, कॉस अल्फा वो 0.8 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को अब इसमें BD की लेंथ और इसका पेरीमीटर निकालना है। तो अब सिंपल था हमारा कि इतना हम लोग जानते हैं कि रोम्बस में जो बाइसेक्टर होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो 90 डिग्री पे भी अपने बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, इसको ओ मान लेते हैं, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी हो गया ए सी अपॉन टू इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, दोनों की लेंथ 9 सेंटीमीटर निकल गई। और बी डी जो है, इसी तरीके से बी डी जो है वो 2 × BO मान लेते हैं, BO का डबल मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल AOB। अब ये 90 डिग्री है हमको मालूम है, ठीक है, ये अल्फा एंगल है। तो अब इसके हिसाब से ये इसका हुआ बेस, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो कॉस थीटा हमारा क्या हुआ, कॉस अल्फा हमारा क्या हुआ, कॉस अल्फा हमारा हमारा है BO अपॉन AB, BO अपॉन AB है, जो कि हो गया 4/5। जब सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व करेगा तो आएगा 4/5 0.8 का, ठीक है। तो अब हम लोग मान लें कि BO हमारा है 4K और AB हमारा है 5K, तो AB² OA² प्लस BO² हो गया हमारा 25, नहीं 5K² प्लस 9 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 4K का होल स्क्वायर। अब ये तो हो गया हमारा 25K², ये हो गया हमारा 16K², ये हमारा हो गया 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, हो गया हमारा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये तो हमारा इधर चला गया, तो हमारा इधर बचा, इससे जब इसको इधर ले जाए सब चेक करेंगे तो बचा हमारा 9K² इक्वल टू 81 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम 9 से डिवाइड करोगे 81 को, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो हम लोग का आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर K² के बराबर। अब हमारा K² 9 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, तो हमारा K कितना होगा, K होगा अंडर रूट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमारा अगर K 3 सेंटीमीटर है तो हमारा BO था 4K, यानी वो हो गया 4 × 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर हो गया तो हमारा BD जो हो गया डायगोनल वो 2 BO था, तो वो हो गया 24 सेंटीमीटर। और हमारा
जो पेरिमीटर था वो 4 इंटू ए बी था, 4 इंटू ए बी हो जाएगा। अब ए बी हमारा कितना हो जाएगा इस तरीके से, ए बी हमारा था 5k, ठीक है, ए बी हमारा था 5k, तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर, और हमारा पेरीमीटर निकल आएगा सेंटीमीटर। ये हमारा सॉल्व हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कॉस थीटा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, हमारा जो कॉस थीटा वो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और हमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, और ये चीज हमको गिवन है कि जो एक्स स्क्वायर है वो 1 से छोटा है, एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से छोटा है, ठीक है। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारा एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, एंगल ए को हम लोग थीटा मान लेते हैं, एंगल बी को हम लोग 90 डिग्री के इक्वल मान लेते हैं, तो हमारा जो cos थीटा है वो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और इस और ये हमारे किसके बराबर हो गया, क्योंकि ये cos थीटा है तो ये b हो गया, ये p है, ये h है, मतलब हाइपोटेन्यूज ये बेस ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो हो गया हमारा AB अपॉन AC। अब AB हमारा हो गया 2x और AC हमारा हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग अगर ऐसे देखें कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आएगा BC स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ये इतना हिस्सा जो है ये इसको इसको मतलब सॉल्व करने पे आया है, और ये जो माइनस 4x स्क्वायर आया है, ये माइनस 4x स्क्वायर जो आया है ये 2x स्क्वायर को इधर ले जाने पे आया है। तो अब हम लोग और सॉल्व करेंगे तो हम लोग आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स माइनस होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ, यहाँ ये प्लस था या ये माइनस में अप हो गया कन्वर्ट, ठीक है। तब बी सी स्क्वायर हम लोग का हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा sin थीटा क्या होगा, sin थीटा होगा हमारा बी सी अपॉन ए सी, जो कि हमारा हो गया 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा हमारा हो गया ए बी अपॉन बी सी, जो कि हमारा हो गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया सॉल्व। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग को इस फिगर में tan x tan x x यहाँ पे tan x sin y डिग्री और cos y डिग्री निकालना है। तो पहले tan x डिग्री निकालने के लिए हम लोग ले लेंगे ये वाला ट्रायंगल s, इसको ले लेते हैं r मान लेते हैं, इसको हम लोग b मान लेते हैं, और ये हमारा a है, इसको a मान लेते हैं, इसको s मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, ठीक है, ये r s एक मतलब लाइन मान लेते हैं,
उसको फिर से कनेक्ट कर दिया, मतलब ये एक फिगर था इसमें कम्प्लीट इनकम्प्लीट था, फिगर मैंने कम्प्लीट कर दिया है, तो ये आर है, ये एस है, ये ए बी सी, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में हम लोगों को यानी ट्रायंगल एफ आर बी में हम लोगों को ढूंढना है टेन एक्स, तो टेन एक्स ढूंढना में टेन एक्स दीजिए, टेन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा ये, बेस होगा ये, तो जो कि हो जाएगा आर बी अपॉन आर एस यानी 6/5। देखिए अब अगला हम लोगों को जो दो चीज ढूंढनी है वो हम लोगों को ढूंढनी है ट्रेंगल ए आर एस में। अब ए आर एस में हम लोगों को दो एक ही चीज मालूम है, मेरे ख्याल से दो चीजें मालूम है, एक हम लोगों को ए आर की लेंथ मालूम है और एक हम लोगों को आर एस की लेंथ मालूम है। अब ए आर की लेंथ हमको कैसे मालूम है, ए आर की लेंथ हमको ऐसे मालूम है कि ये 6 है, तो ए बी में से आर बी हटा देंगे तो इसकी ये लेंथ आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, मैं 12 आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी 12, तो ए आर हमारा 12 है, आर एस हमारा 5 है, तो हमारा ए एस क्या होगा, तो ए एस स्क्वायर इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए एस स्क्वायर। अब ए एस हो जाएगा हमारा 144.25, क्योंकि हो गया हमारा 30, तो 3y हो जाएगा हमारा, y के साथ तो ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, तो 3y हमारा हो जाएगा 5 अपॉन ये आर एस अपॉन ए एस, जो कि हो जाएगा 5/13, और हमारा कॉस वाई डिग्री हो जाएगा ए आर अपॉन ए एस यानी 12/13। ये हम लोग का सॉल्व हो गया, ये हम लोग का सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि इस फिगर में, ये जो फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी में, इसमें बी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल है और बी डी जो है ये परपेंडिकुलर है ए सी के, ठीक है, यानी यहाँ पे भी एक राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग को टेन डी बी सी, डी बी सी यानी ये वाला एंगल का टेन, और कॉस ए बी डी यानी इस वाले एंगल का हमें कॉस निकालना है, ये कट गया है इसलिए ये 90 डिग्री नहीं है, अभी कोई ना कोई एंगल हो जाएगा, तो अभी इसको निकालना शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग ट्रायंगल पूरा ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी में हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा है दिया गया हमें ये 8 दिया गया हमें और ये हमारा दिया गया हमें 15, तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी हमारा हो गया सॉल्व करने पे अंडर रूट 64 प्लस 225 इक्वल टू अंडर रूट 289 इक्वल टू 17, तो ये हमारा 17 आ गया है इसी। तो अब पहले हम लोग निकाल लेते हैं टेन डी बी सी,
देन बीबीसी को देखा जाए तो हम लोग इसको बीसी अपॉन एबी भी लिख सकते हैं। अब ये ऐसे ये क्यों हुआ है, क्योंकि देखो एबीडी हमारा राइट एंगल था और जो हमारा ये राइट एंगल था 90 डिग्री वाला, उसमें एंगल ए और एंगल सी का सम था। हमारा जो एंगल ए और एंगल सी का जो सम था वो 90 डिग्री के इक्वल था, क्योंकि पूरा तो हमारा 90 डिग्री का होता है ना। तो ऐसे हमारा बताते हैं हम आपको। तो देखो जैसे हमारा डीबीसी जो था, डीबीसी वो हमारा सी, उसमें सी जब ज्वाइन करेंगे तो हमारा 90 डिग्री बराबर हो जाएगा, यानी इसको और इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे 90 डिग्री के बराबर आएगा, क्योंकि ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है, तो ये तो 90 डिग्री का है, तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री का होगा, तभी तो ये 180 डिग्री का होगा। और हमारा अगर पूरे में देखा जाए तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री बराबर होगा, क्योंकि एंगल बी जो है वो हमारा 90 डिग्री है, तो ए एंगल ए और एंगल सी का भी सम हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर अब इन दोनों लाइनों को हम लोग इक्वल मतलब बराबर करें तो देखेंगे, तो हम लोग यहाँ 90 डिग्री के जहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल ए। अब हम लोगों ने भाई लिखा तो इक्वेट किया तो हमारा ये एंगल ए आ गया। अब ये एंगल ए आ गया तो एंगल ए क्या था, बी सी अपॉन ए बी था, तो ऐसे हमारा ये आ गया 15/8। और सेम टू सेम अब यही चीज अगर हम लोग यही लाइन हम लोग उठाकर देखें तो हमारा इसमें अगर मिला लें, क्योंकि देखो ए बी डी और एंगल ए को मिला के हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो वहां पे अगर इसको उठा के रख दें तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल ए था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए बी डी हमारा आ जाएगा एंगल सी के बराबर। तो हमारा कॉस ए बी डी आ जाएगा एंगल सी के बराबर, तो कॉस एंगल सी हो गया हमारा बी सी अपॉन ओ सॉरी सॉरी बी सी अपॉन ए बी, जो कि हो गया नहीं बी सी अपॉन ए सी हुआ, बी सी अपॉन ए सी सॉरी सॉरी बी सी अपॉन ए सी हो गया, जो कि हमारा हो गया 15/17, ये हमारा सॉल्व हो गया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ठीक है एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, जिसमें जो हमारा बी है वो 90 डिग्री का है और एंगल ए बी सी का जो टैन है ए सी बी का, ए सी बी यानी इस एंगल का जो टैन है वो हमारा है 3/4, और हमको ए सी की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर और हमको निकालना है ए बी और बी सी की वैल्यू। तो अगर देखा जाए तो हमारा टैन ए सी बी जो कि हमारा टैन सी हो जाएगा, वो हमारा है 3/4। तो टेन सी अगर हमारा 3/4 है और टेन सी किसके बराबर है, हमारा टेन सी हमारा है 3/4 ए बी अपॉन बी सी के बराबर, तो
ए बी हमारा हो गया, 3 के बी सी हमारा हो गया, 4 के तो अब ये हमारा 20 सेंटीमीटर था ही, तो अब हम लोग वही पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 4 के, अब 3 के स्क्वायर, 3 के का होल स्क्वायर प्लस 4 के का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर के बराबर, जो कि हमारा हो गया 9 के प्लस 16 के स्क्वायर यानी 25 के स्क्वायर के बराबर। तो अब 25 के स्क्वायर हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, तो के स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, जो कि हमारा हो जाएगा के स्क्वायर के हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। अब के हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो ए बी हमारा है 3 × 4 = 12 सेंटीमीटर, और बी सी हमारा है 4 × 4 यानी 16 सेंटीमीटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि अगर टेन सीटा और कॉस सीटा 2 के बराबर है, तो टेन स्क्वायर सीटा और कॉस स्क्वायर सीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़े थे, सारे रेसिप्रोकल रेशियो पढ़े थे, उनके बीच के रिलेशन पढ़े थे, अब यहाँ पे हमारे वो प्रॉपर्टीज ही हुई होंगी। अभी तक हम लोग नॉर्मल प्रॉपर्टीज के थ्रू पढ़ रहे थे कि टेन सीटा कॉस सीटा ये सब पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे रेसिप्रोकल वाली चीजें ही हुई होंगी। तो इसको अब सॉल्व हम लोग करते हैं, क्योंकि अभी ये नए टाइप के क्वेश्चन आ गए, अभी तो हम लोग एक ही टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखा जाए यहाँ पे लिखा हुआ है टेन सीटा प्लस कॉस सीटा कॉट सीटा इक्वल टू 2। तो अगर हम लोग इसका इसका पूरे का दोनों तरफ स्क्वायर करें, तो टेन स्क्वायर प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4। अब अगर इसको खोल ब्रैकेट खोले तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा डॉट कॉट थीटा हमारा हो गया 4 के बराबर। अब कॉट थीटा को याद करो, रेसिप्रोकल रिलेशन के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं 2 tan थीटा, अब कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 upon tan थीटा। अब टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, तो ये बचा 2। अब 2 को इधर लेके चले जाओ, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 4 − 2 = 2, तो इसकी वैल्यू आ गई। जैसे ब्रोकर रिलेशन याद रखना कि कॉट थीटा जो होता है वो 1 upon tan थीटा होता है, उसका उल्टा भी हो सकता है, टेन थीटा 1 upon cot थीटा के बराबर हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता था, कोई भी तरीका अपना लो दोनों तरीके से हो जाएगा। अब हमारा हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमारा जो एंगल सी है वो 90 डिग्री बराबर है, और बी डी और डी सी जो स्पीकर में है वो 1 बराबर है, हम लोगों को निकालना है कॉर्ड ए बी सी अपॉन ए बी सी ए डी सी, यानी ए बी सी क्या हो गया, ए बी सी हो गया ये, और ए डी सी हो गया ये, तो इन दोनों के बीच के कॉर्ड का एंगल, और डी ए सी, डी ए सी यानी ये, और बी ए सी यानी ये, इन दोनों के बीच के टैन का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग मान लेते हैं
कि लेट एक्स इक्वल टू बी डी, और बी डी किसके बराबर है, डी सी बराबर है, ठीक है। तो बी डी और डी सी बराबर है, तो बी डी प्लस डी सी इक्वल टू है जो बी सी बराबर है, इसका हो गया हमारा 2x, क्योंकि एक्स एक्स मिलके 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अपना ये मतलब निकालना शुरू करते हैं, एक एक करके सबको निकालेंगे। तो पहले हम लोग निकालते हैं cot ABC। तो cot ABC निकालने के लिए हम लोगों को लेना पड़ेगा cot ABC निकालना, यानी ABC यानी ये वाला एंगल। तो इसके लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस ये है, बेस क्या हमारा, बी सी अपॉन परपेंडिकुलर नहीं ए सी। तब कुछ याद रखना है, भूलना नहीं कुछ भी, टू अपॉन ए सी, टू एफ अपॉन ए सी हो गया। और ऐसे ही कॉट ए डी सी हमारा है डीसी अपॉन ए सी, डीसी अपॉन ए सी जो कि हो गया एस अपॉन ए सी। अब ऐसे ही हमारा देखा जाए तो टैन डी ए सी हो गया डी ए सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डी सी अपॉन ए सी हो गया एक्स अपॉन ए सी, और टेन बी ए सी हो गया हमारा बी सी अपॉन ए सी, यानी 2x अपॉन ए सी। तो अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला हमारा है cot ए बी सी अपॉन cot ए डी सी। अब दोनों की वैल्यू आधार दो, दोनों की वैल्यू कर दी है। अब ये इधर गया, ये इससे कट गया, इसे सीधी वाला इसे कट गया, तो हम लोग का इसका वैल्यू आया 2x अपॉन x इक्वल टू 2, ठीक है। अब ऐसे ही tan वाले का निकालेंगे, tan dAC डी ए सी और टेन बी ए सी के बीच में निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स अपॉन ए सी अपॉन ए सी। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ऐसे सॉल्व पूरा करके दिखाता हूँ मैं। इसको जब इधर अगर इसको इंटू में लेके जाना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, यानी तो ये कट गया, से ये कट गया, यानी 1/2 दोनों की वैल्यू निकल गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन 3 साइन ए, मतलब If 3 साइन ए 4 कॉस ए के बराबर है, तो हमें साइन ए कॉस ए और टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे हम लोग एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, इसमें ये एक एंगल ए है, ये एंगल ए है, ये और ये ट्रायंगल, ठीक है। ये बेस है हमारा
ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब लिखा हुआ है यहां पे 3 sin A इक्वल टू 4 cos A। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि थ्री साइन ए अपॉन 4 cos A कर दें, और cos A अपॉन साइन निकाल दें हम लोग। अब साइन ए कैसे होगा, साइन ए का हो जाएगा 1/3, cos A हो जाएगा हमारा 1/4, तो 1/3 / 1/4। अब वही इंटू और रेसिप्रोकल वाला ऐसे इंटू लगाएंगे तो हो जाएगा 4/3, तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई sin A और cos A की वैल्यू आ गई, यानी tan A की वैल्यू हमारी आ गई 4/3। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बेस हमारा मान लो जो बेस हमारा वो है 3x और परपेंडिकुलर हमारा 4x के बराबर है, तो हाइपोटेन्यूज कितना क्या होगा, वही पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का होल रूट। तो अब इसको करेंगे सॉल्व तो आएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 25 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 25, जो कि हो जाएगा 5 के बराबर। तो h की वैल्यू हमारी आ गई h इक्वल टू 5, h इक्वल टू 5 आ गया। तो अब पहला हमारा निकालेंगे हम लोग साइन ए, तो साइन ए हमारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4x / 5x, ये x में है, ठीक है, ये पूरा x में था, x स्क्वायर, हो गया हमारा 4/5। सेकेंड cos A हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 3x / 5x, यानी 3/5। अब थर्ड वाला जो है हमारा, यानी tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर A, तो हमारा tan हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3/4 का स्क्वायर। और sec को हम लोग बनाने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि sec है हमारा, हमारे cos का रेसिप्रोकल होता है, तो sec होता है हमारा 1/cos होता है, ठीक। तो sec के लिए हम लोग लिख सकते हैं इसका रेसिप्रोकल, यानी 5/3 का होल स्क्वायर, यानी 16/9 - 25/9। अब दोनों को कॉमन कर लो बे, 16 - 25 = -9/9 = -1, इसका आ गया -1, ठीक है। अब ऐसे ही थर्ड वाला, इसमें मैं दो मेथड बताऊंगा, इसका करने का दो मेथड मैं बताऊंगा, जो ये वाला है 15 वाला, जिसमें हमारा दिया क्या हुआ है, पहले हम लोग ये समझते हैं। हमारा दिया हुआ है 5 tan θ = 4, तो हमारा जो ये है
ए साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, ए साइन अपॉन ए साइन थीटा माइनस टू कॉस थीटा, इसकी हम लोग नहीं प्लस टू कॉस थीटा, इसकी हम लोग को वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको करने के दो तरीके हैं। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, सबसे पहले टेन थीटा की वैल्यू, तो फाइव टेन थीटा इक्वल टू फोर लिखा हुआ है, तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई हमारी, इसको उठा के इधर पटक दिया, तो फोर अपॉन फाइव। अब इसको एक करने का कॉम्प्लेक्स तरीका है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स तरीके हैं, तो दोनों करके देखते हैं। तो अगर हम लोग ये इसमें इस पूरे स्टेटमेंट को लें, और इसको हम लोग हर एक चीज को पूरे इसको में हर एक टर्म को ईच टर्म को डिवाइड कर दें, ईच टर्म को डिवाइड कर दें कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा, जब कॉस थीटा डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस थ्री, क्योंकि कॉस थीटा कॉस थीटा कट गया, और ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस टू। ठीक है, हम लोगों ने कॉस थीटा क्यों लिया, क्योंकि हमें टेन थीटा की वैल्यू मालूम थी, तो कॉस थीटा से डिवाइड करने के लिए, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हम लोगों ने पढ़ा था ये हम लोगों ने रेसिप्रोकल रिलेशन में, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा टेन थीटा के बराबर होता है। तो इस रिलेशन को यूज करके हम लोगों ने, क्योंकि इसको टेन ने बदलना था साइन को, इसीलिए हम लोगों ने कॉस थीटा डिवाइड कर दिया, जब उसको फिर उल्टा करना पड़ता है साइन थीटा डिवाइड करते तो, कि उसको रेसिप्रोकल बनाओ वो सब, तो झंझट ज्यादा हो जाता है, इसलिए सिंपल करने के लिए हम लोगों ने कॉस थीटा से कर दिया। तो अब इसको अगर हम लोग और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा एट टेन थीटा माइनस थ्री अपॉन एट टेन थीटा प्लस टू। अब आप लोग सोच लोगे एक टेन थीटा ऊपर एक टेन थीटा नीचे, आप दोनों को काट दें, तो नहीं ऐसे नहीं कर सकते, हम लोग पूरा सही से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा सही से सॉल्व करते हैं। तो ए फोर अपॉन फाइव माइनस थ्री माइनस टू प्लस टू, अब इसको भी देखो, जब हम लोगों को माइनस करना है अगर इसमें से और इसमें प्लस करना है, तो इसको हम लोगों को उसके हिसाब से बेस कॉमन करना पड़ेगा दोनों का। तो एट फोर जहाँ मेरा होता है 32 माइनस फाइव से इंटू किया तो 15 अपॉन 32 प्लस 10 अपॉन फाइव, फाइव से फाइव कट गया 17 अपॉन 42 आ गया इसकी वैल्यू। अब इसका अल्टरनेट एक और मेथड था, यानी मेथड नंबर सेकेंड, मेथड नंबर सेकेंड ऐसे था, उसमें ऊपर वाला वो हम लोग याद रखेंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे, इसी को बार बार निकाल नहीं रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखिए, इसी को अगर याद रखें तो हमारा हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा हमारा हो गया, एक ट्रायंगल बना लो यहाँ पे, ट्रायंगल बना लो, और ये थीटा मान लो, ये हमारा राइट एंगल है, तो ये 4x हो गया, ये हमारा 5x हो गया, और इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करके दिखाता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, तो हाइपोटेन्यूज मान लो, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा अंडर रूट 5 x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर।
कि जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 41 एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो एक्स तो स्क्वायर में है तो 41 अंडर रूट 41 स्क्वायर अंडर रूट 41 एक्स आ जाएगा, अंडर रूट 41 क्योंकि एक्स स्क्वायर में वो बाहर निकल जाएगा अंडर रूट के, तो अंडर रूट 41 एक्स आ जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किया है, मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके किया गया है। तो फिर वही हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करके ऐसे कर सकते हैं, इस एक्स वाला एक्स कट गया और ऐसे कॉस की वैल्यू निकाल लो तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी, ये सी वाला एक्स कट गया ठीक है, तो हमारा साइन थीटा हो गया 4/√41, कॉस थीटा हो गया 5/√41। तब इसको इसमें अगर हम लोग दोनों की वैल्यू इनपुट करेंगे तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा कि 8/4/√41 -3/5/√41 अपॉन 41। अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 32/-15 32+10/√41 कट गया, वही आया फिर से 17/42। दोनों में वैल्यू सेम आएगी, बस जिसको पाइथागोरस की थ्योरम अच्छे से आती है वो पाइथागोरस थ्योरम से लगा ले, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिकल मतलब रेसिप्रोकल रेशियो समझ में आ गया वो रेसिप्रोकल रेशियो के रिलेशन के यूज लगा देखो, रेसिप्रोकल रिलेशन के यूज करोगे तो आसान होगा, वरना फिर इतना कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री वो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो हम लोग अगर रेसिप्रोकल रिलेशन सही समझ जाएं तो वही इजी पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में, इसीलिए कहीं कहीं ये रेसिप्रोकल रिलेशन समझाए जाते हैं ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, तो इसका वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर हल्का सा भी कुछ सीखने के लिए मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसमें जाइएगा, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसलिए आपको नोट्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, नोट्स की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, उसमें हम लोग का मिल जाएगा आपको लिंक टेलीग्राम चैनल का, उसमें सारे नोट्स मिल जाएंगे, इसका प्रैक्टिस पेपर भी आएगा वो भी आपको मिल जाएगा, जिसको आपका कुछ दिन बाद उसका सोल्यूशन भी आ जाएगा ठीक है। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो आपको, कोई आपको रिव्यू देना हो तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, इसका पूरा देख लिया जाएगा कि हम उसको और इम्प्रूव करने की वीडियो अपनी कोशिश करेंगे, आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बाकी आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, बहुत जल्द हो सकता है हमारा व्हाट्सएप का कम्युनिटी चैनल आ जाए, जिस पर आप लोग अच्छे दम से डायरेक्टली इस पर कुछ आवर्स के लिए वो खुलेगा, जिसमें आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम उसको डेवलप कर रहे हैं, वो भी जल्दी से बहुत जल्द आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।